यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी से इस्तीफा दे देंगी अपर्णा यादव, और क्या बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में नई जिम्मेदारी को संभालने जा रही हैं अपर्णा यादव। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि अपर्णा यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफी नाराज नजर आ रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि अपर्णा यादव को बीजेपी में अभी तक कोई बड़ी जगह नहीं मिली है। अपर्णा यादव इस बात से काफी नाराज हैं कि बीजेपी में आए उन्हें काफी वक्त हो चुका है, लेकिन पार्टी ने उन्हें ना तो चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा और ना ही उन्हें किसी जगह से टिकट दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव को लेकर जो बयान आए हैं उसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव के लिए समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को दुख हो रहा है, जिनमें शिवपाल यादव के अलावा पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनका ये कहना है कि अपर्णा यादव जिस लालच में बीजेपी में गई थी उसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिल पाया, और बीजेपी में जाने के बाद उन्हें वहाँ पर जिस तरीके से जगह दी गई है ये बताता है कि किसी कोने में अपर्णा पड़ी हुई हैं। हालांकि अगर बात करें तो कुछ वक्त पहले शिवपाल यादव ने इशारों में कहा था कि समाजवादी पार्टी के दरवाजे उन लोगों के लिए खुले हुए हैं जो पार्टी का रास्ता छोड़कर गए थे। ऐसे में अपर्णा यादव चुनावी नतीजों से पहले एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले अपर्णा यादव अचानक डिंपल से मुलाकात करने पहुंची थी। दरअसल जब कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, जसवंत नगर, खतौली जैसी सीटों पर चुनाव हुए, उसके नतीजे आए जिसमें समाजवादी पार्टी को जीत मिली, उसके बाद अपर्णा यादव ने फैसला कर लिया था कि वो डिंपल यादव से मुलाकात कर उन्हें बधाई देंगे। हालांकि इन सब के बीच में डिंपल के साथ साथ अखिलेश से मुलाकात कर एक बड़ा फैसला अपर्णा यादव ले सकती हैं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।